विद्युते कल्पना जलम गंभीर उदार मूर्धये नामन समन्ता वर्त्रया समन्ता त्रिशे सभागार में उपस्थित माननीय कुलपति महोदय एवं पूज्य भिक्षु संघ संस्था के कुल सचिव और उनकी सभी सहयोगी कार्यकर्तागण आचार्य वृंद एवं स्नेह पात्र छात्राएं और छात्र आकस्मिक रूप से सारनाथ प्रवास करने का एक अवसर आया और उस समय दो कठिन कार्य सौंपा गया। अभिधर्म कोष की संगोष्ठी का उद्घाटन करना और समापन करना। कृतज्ञता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की मुख्यवाचक के रूप में कुछ विचार प्रस्तुत करना, ये दोनों मेरे लिए बहुत कठिन काम थे। फिर भी जिस कार्य के लिए यहाँ आहूत की गई हैं तो उसको किसी तरह से निभाना तो पड़ेगा ही। सारनाथ छूटे 24 वर्ष हो गए हैं तो उस बीच में हिंदी भाषा से भी छूट गए। धर्मशाला में हिंदी का बहुत प्रचलन नहीं थे तो इसलिए पहले वाराणसी में रहते थे तो कुछ त्रुटिपूर्ण हिंदी बोल लेते थे और अधिकांश मैं भूल गया हूँ तो इसलिए भाषा की भी कठिनाई है। फिर भी कुछ प्रयास करके दो चार शब्द जोड़ लेंगे ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन उसका भी एक और कठिनाई अभी यहाँ उत्पन्न हुआ है। जो कुछ कहने सुनने लायक थे वो पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से कह दिया गया है तो इसलिए अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं। जो कुछ कहेगा वो अप्रासंगिक होने की संभावनाएं ज्यादा रहते हैं। श्री राय जी ने और कुपति जी ने इस विषय के ऊपर गंभीर एवं विस्तारपूर्वक जो प्रकाश डाला है उसके अतिरिक्त और कुछ कहने की ना तो वस्तु है ना ही आवश्यकता है या उसका पुनरावृत्ति करने में भी कोई उपयोगी नहीं है तो इसलिए मैं अपने वक्तव्य को बहुत ही संक्षिप्त कर सकूंगा ऐसा मुझे लगता है। जो शब्द इस गोष्ठी के लिए चुना गया है कृतज्ञता का महत्व वो भी समाज में। इस वाक्य रचने में
समाज, कृतज्ञता और महत्व तीन शब्द से बने हैं, तो तीनों के अर्थ परिभाषित करना और वो तीनों को जोड़ करके क्या अर्थ निकलते हैं इस पर विचार करना आवश्यक होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। समाज का विभिन्न प्रकार की परिभाषा है, इस जगत में हो चुके हैं और अभी भी होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे, अपने अपने दृष्टिकोण से समाज की परिभाषा करते हैं, ना केवल परिभाषा करते हैं अपितु समाज की परिस्थिति भी समय समय पर मूल चूल परिवर्तन होता रहता है। जो आज से 5,000 वर्ष पहले 2,500 वर्ष पहले समाज की परिभाषा थे, वो संभवतः आज समाज की परिभाषा नहीं है। परंतु संक्षेप रूप में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जीवधारी या सत्व थोड़ा बहुत अंतर से सभी सामाजिक प्राणी होते हैं। मनुष्य भी सामाजिक प्राणी हैं। पश्चात वाला तो इसको बहुत बड़े शब्दों से कहते हैं कि मनुष्य सोशल एनिमल है। मुझे पता नहीं इसको एनिमल कहने की आवश्यकता क्या पड़ा। सोशल बीइंग, सोशल लिविंग बीइंग, बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन प्रचलित शब्द में सोशल एनिमल एनिमल कहते हैं, क्योंकि मनुष्य में भी कहीं न कहीं पशुत्व की चित्तवृत्ति या चित्तवृत्ति की वासना रह जाते हैं, तो इसलिए कहते होंगे। परंतु समाज और व्यवहार में रहने वाले, एकत्रित रहने वाले मनुष्य या समाज में रहने वाले मनुष्य में क्या अंतर है, उसका अंतर मात्र इस आधार पर निर्धारित कर सकेंगे कि उनकी परस्पर संबंध क्या है। संबंध मात्र प्रतीत संबुत्पन्न होने की जो संबंध हैं, वही सभी संबंधों की आधार है। पूर्ववक्ताओं ने इस पर प्रकाश डाले हैं कि सभी सत्व, सभी जीवधारी कितना परस्पर आधारित हैं, और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिसके अभाव में एक समय की जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। एक कुशल और समय की जीवन व्यतीत करने के लिए सभी संबंधित सत्वों के बीच में एक संतुलित और समाहित संबंध की आवश्यकता होता है।
और इस संबंध को बिना कोई क्षति की समय के रूप से कैसा संरक्षित किया जा सकता है, वह संबंध में रहने वाले लोगों के हृदय में कितना कृतज्ञता की भावना है जो हमारे हित के लिए उपकारकारक है लोग हैं, उसके प्रति हमें कितना कृतज्ञता की भावना है, इस पर निर्भर करता है। तो समाज के संबंध जिस स्तर पर जिस गुणात्मक के रूप में बनते हैं बिगड़ते हैं, वो उपकार की ऋण को कितना हम अनुभूति कर सकते हैं, कितना उस भाव को हम अपने अपने हृदय में ला सकते हैं, इस पर बहुत बड़ा निर्भर है। तो इसलिए कृतज्ञता के भावना समाज में महत्व क्या है, ये देखने से पहले समाज की संरचना में, समाज के सृजन में इसकी अनिवार्यता कितना है, वह देखने से महत्व अपने आप स्थापित हो जाएंगे। एक बार समाज की संरचना सृजित होने के बाद भी वो समाज समता के रूप में, सद्भावना के रूप में और बिना कोई संघर्ष के जिस समाज की संरचना है उसको सुरक्षित रखने के लिए भी कृतज्ञता का भावना एक आधार बनते हैं। तो इसलिए समाज की संरचना, समाज की निरंतरता, समाज की स्थिरता को सुरक्षित करने में, ये तीनों में एक कृतज्ञता का भावना अपरिहार्य है, जिसके बिना बनते नहीं है। ये इसकी अपरिहार्यता, इसकी आवश्यकता जब आप समय के ढंग से देखेंगे तो महत्व के लिए कोई विशेष दूसरा हेतु खोजने की आवश्यकता नहीं होंगे, ये स्वसिद्ध हो जाएगा, स्वतः सिद्ध हो जाएगा। इसलिए बुद्धिचित उत्पादन की प्रक्रिया में महायान बौद्ध धर्म की परंपरा में दो परंपरा आते हैं, सप्तत हितुफल उपदेश और स्वपर परिवर्तन के उपदेश। इस सप्तत हितुफल उपदेश में प्रथम है मात्र ज्ञान, द्वितीय है परिग्रह समित, और तीसरा है कृतज्ञता, कृतज्ञ। तो ये तीन जब भावनाएं और चित्तवृत्ति उत्पन्न होगा तभी सही माने में मैत्री और करुणा की भावना उदय हो सकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक साधना में भी इस भावना को अत्यंत
महत्व दी गई है। जो जिंक के माध्यम से हमारा अस्तित्व बने हुए हैं, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, उनकी उपकार को हम कैसे प्रतिग्रह करते हैं, ऋणी होते हैं, इसके चित्त उत्पाद करना बुद्ध मार्ग में प्रवेश करने के लिए अनिवार्यता दर्शाया गया है, वो है भी। इस भावना को समय के ढंग से उत्पादन करने के लिए, चित्त शोधन करने के लिए, चिताभ्यास करने के लिए प्रथम श्री के रूप में उपेक्षा भावना की या समता भावना की उपेक्षा आजकल कोई दूसरे अर्थ के लिए भी उपयोग होते हैं, तो इसलिए कभी कभी वो गलतफहमी में हो जाता है। यहां पर उपेक्षा की अर्थ है समता की भावना। जितना भी सत्व हैं, वो अपने दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा, सब एक ही जैसे होंगे। जब तक समता की भावना ठीक ढंग से हम अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक के प्रतिग्रह समित ऋण की समरण और कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होना कठिन है। कुलपति महोदया ने अपने अनुभव से कहा कि उनकी चित्त में समता की भावना है। हम कभी कई जगह जगह पर जाते हैं, बहुत लोग होते हैं, तो उसमें से तीन आदमी जो हमारा दृष्टिगोचर होता है, एक के प्रति स्नेह की भावना उत्पन्न होता है, दूसरे के प्रति दूर की या क्रोध की भावना आते हैं, और तीसरे के प्रति कुछ भी नहीं, एकदम निग्लेक्ट करने की भावना आते हैं, तो वो तात्कालिक रूप से जो हमारे संबंध जिनके प्रति हैं, यही की जीवन में वो भी तात्कालिक रूप से कुछ वर्षों में कुछ महीनों में जो तात्कालिक समय बीता है उसमें हम लोगों की परस्पर संबंध क्या हुआ है या वार्तालाप या आदान प्रदान क्या हुआ है उस पर आधारित होते हैं। जो किसके साथ मनमुटाव है उसको देखते ही द्वेष भावना उत्पन्न होता है, जिनके साथ निकटपन है उसको देखते ही राग भावना उत्पन्न होता है, और जिसकी जान पहचान बिल्कुल नहीं है, पहले बार देख रहे हैं, उसके प्रति उपेक्षा की या निग्लेशन की, छोड़ देने की भावना होते हैं। तीनों सत्व होना बराबर हैं, और वो जिस प्रकार के प्राणी हैं, जैसा हम हैं, वो बाकी तीनों भी उसी प्रकार की प्राणी हैं। लेकिन कुछ तात्कालिक
कारणों से हम उसको तीन प्रकार की भेद उत्पन्न करते हैं। वो भेद जो है वो सत्य पर आधारित नहीं होता है, वो तात्कालिक हितों प्रतियों की ऊपर आधारित होता है। तो जिसको तार्किक दृष्टि से विश्लेषण करने पर जो इस समय निकटतम मित्र हैं वो पूर्व जन्मों में, या पूर्व जन्म नहीं मानते हैं तो कोई दूसरा समय में हमारा शत्रु भी हुआ होगा, हो सकते हैं, होने की संभावना है, या भविष्य में भी हो सकते हैं। जो शत्रु हैं वो कभी भी मित्र हो सकते हैं। शत्रु मित्र या अनजान तीनों के स्वभाव अपने प्रकृति की दृष्टि से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो कुछ घटनाओं पर आधारित ये उत्पन्न हुआ है। और उन घटना की जैसे घटना भविष्य में भी कभी भी घट सकते हैं, तो इसलिए मित्र शत्रु बनने में कोई देर लगेगा नहीं, शत्रु मित्र बनने में भी कोई देर लगेगा नहीं। अनजान व्यक्ति शत्रु बनने में, मित्र बनने में दोनों की संभावना रखते हैं। तो इसलिए इन सब के प्रति समता की भावना जब तक उत्पन्न नहीं होंगे तब तक के प्रतिग्रह सीमित और कृतज्ञता, ये दोनों की भावना उत्पन्न कर सकेंगे, इसकी संभावना बहुत कम रह जाते हैं। तो इसलिए बुच्चित उत्पाद करने की प्रक्रिया में अगर आप सप्त हितुफल उपदेश की अनुकूल चलना हो, सबसे पहले समता की भावना उत्पन्न करना होगा, उसके बाद मातृज्ञान की भावना उत्पन्न करना होगा। मातृज्ञान पूर्व अपर जन्म के सिद्धांत को मानते हुए इस बात की संभावना बनते हैं। भारतीय दर्शनों में लोकायत को छोड़ करके, चार्वाक को छोड़ करके कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो निरंतरता भाव पूर्व अपर जन्मों के सिद्धांत नहीं मानते हो। ये भारतीय आजकल के लोकायत के सिद्धांत के साथ जाने वाला कोई पश्चिम भारतीय परंपरा तो बचे नहीं, जो नए लोग से नए दृष्टि से जो मानने वाले हैं वो तो उनकी आधार कोई दूसरा है। मन और शरीर, चित्त और भौतिक शरीर, ये दोनों के भेद नहीं जाने वाले, जिसको कहा जा सकता है आधुनिक साइंस वाले या आधुनिक जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट वगैरह है उसको छोड़ करके भारतीय परंपरा में संपूर्ण षट दर्शन की जो परंपरा है वो चित्त संतत को या तो आत्मा के रूप में या चित्त संतत के रूप में निरंतरता की सिद्धांत को मानते हैं। जो निरंतरता के सिद्धांत मानते हैं तो पूर्व जन्मों की कोई अंत नहीं है, कोई संख्या नहीं है, अपर जन्मों की भी कोई संख्या नहीं है, कोई अंत नहीं है। जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होंगे हम जन्म लेते रहेंगे। इसलिए समस्त सत्व कभी न कभी अपने मां के रूप में उत्पन्न हुआ होगा, ये अनुमा प्रमाण के माध्यम से
सिद्ध करते हैं, तो इसलिए पहले सब कभी न कभी मां रहा होगा इस भावना को उत्पन्न करते हैं। तो जब भी मां या निकट संबंध रहे होंगे तो उनकी प्रतिग्रह उपकार, हमने अनंत उपकार उनसे प्राप्त किया है, तो उसके लिए कृतज्ञ भावना होना चाहिए। तो ये कृतज्ञ भावना होगा तब मैत्री की भावना बिना कोई विशेष प्रयास के सहज रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। जब मैत्री की भावना होंगे तो जब हमको दुखी देखेंगे तो करुणा की भावना भी अपना आप होगा। जब मैत्री और करुणा की भावना प्रबल होगा तो उनकी दुख हटाने की समस्त सत्वों के दुख हटाने की समस्त सत्वों को सुख दिलाने की दायित्व है, वो मेरे ऊपर है, मैं उसको करूंगा, इस प्रकार से जो संकल्प लेते हैं उसको अधियाशय के नाम से कहा गया है। अधियाशय जब होगा तब जब तक कि समस्त सत्वों की सुख उत्पादन दुख निवारण करने की क्षमता हमको नहीं है, तो इसलिए उसके लिए बुद्धत्व प्राप्त करना होगा। बुद्धत्व प्राप्त करने की जो संकल्प है उसको बुद्धचित कहा जाता है। सो बुद्धचित उत्पादन के लिए कृतज्ञता भावना एक महत्वपूर्ण कर्म है धार्मिक दृष्टि से देखा जाए। अब ये धार्मिक दृष्टि को छोड़ दें, जो नितांत लौकिक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि समाज का शब्द आया है, समाज का संतुलित व्यवहार और संस्कार उत्पन्न करने के लिए और उसको संरक्षित करने के लिए दोनों कार्य में कृतज्ञता का भावना बहुत महत्वपूर्ण अपने योगदान अदा करते हैं। परंपरा और आधुनिक, ये दो चीज बहुत स्पष्ट रूप से एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। आधुनिक ज्यादा प्रचलित शब्द हैं, गांधी जी ने तो सभ्यता को ही आधुनिक मान लिया, हिंद स्वराज में जो सभ्यतों की निंदा किया गया है वह प्राचीन सभ्यता या भारतीय सभ्यता की बात नहीं, केवल आधुनिक पश्चात जिसको मैं सभ्यता करने में थोड़ा असुविधा अनुभव करता हूं, आधुनिकता कहना ज्यादा ठीक रहेगा। सो उस आधुनिकता में आज जो संपूर्ण जगत जूझ रहे हैं, जिसके कारण अनेक चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन सब से जूझने के लिए भी संपूर्ण सत्वों की, अगर संपूर्ण सत्वों की परिकल्पना ठीक से नहीं बैठते हो, समस्त संपूर्ण मानव मात्र की प्रति कृतज्ञता
की भावना की कमी के कारण आज जो आधुनिकता की चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों में सबसे बड़ा चुनौती है पर्यावरण के प्रदूषण, पृथ्वी की गर्मी की वृद्धि होना और दूसरा है हिंसा की वृद्धि, युद्ध की संभावनाएं और संघर्ष, आतंकवाद इत्यादि की जो चुनौतियां हैं। और मौसम की परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, गरीब और अमीर के बीच में खाई का वृद्धि होना, जितना भी प्रयास तथाकथित प्रयास गरीबी हटाने की जो होता है, उससे गरीबी हटाने की जगह पर गरीबों को हटाने की प्रक्रिया ज्यादा हो जाता है। ये सब आधुनिक के समस्याएं हैं। उन सब का कारण क्या है, मूल कारण क्या है? उन सब का मूल कारण है मनुष्य के व्यवहार में कुछ बुनियादी परिवर्तन परंपरा में जो थे वो आधुनिकता में आ नहीं पाए, उसमें उल्टा हो गए। उसका बाद आने के विवरण है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके ओर मैं आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। परंपरा में व्यक्ति और समाज में समाज को ज्यादा महत्व दिया जाता था, व्यक्ति को कम महत्व देते थे। समाज को व्यक्ति की देखभाल करने के दायित्व तो होते थे, लेकिन जब समाज के हित के लिए व्यक्ति के हित को बलिदान करना पड़े तो वो करना अनुचित नहीं समझते थे। समाज और व्यक्ति में समता थे, समता की भी और बढ़ करके समाज को व्यक्ति से ज्यादा महत्व दिया जाता था। उसी प्रकार से स्वर पर में समता थी परंपरा में, और जब आवश्यकता पड़े तो परहित के लिए स्वहित को, स्वार्थ को बलिदान करना बेहतर समझते थे। शरीर और मन ये दोनों में भी समता थे, और आवश्यकता पड़े तो मन की शांति के लिए ज्यादा महत्व दिया जाता था। शरीर की सुख सुविधा कहीं कटौती करना पड़े तो किया जाता था। अधिकार और कर्तव्य से अधिकार मिलते थे, जब कर्तव्य पालन करेंगे तो अधिकार कहीं छूटने की संभावना नहीं होते थे, तो इसलिए कर्तव्य को महत्व देते थे परंपरा में। अधिकार उसके फलस्वरूप में स्वतः सिद्ध समझते थे। आज उस भी उल्टा हो गया है, अधिकार लड़ करके प्राप्त करना और कर्तव्य करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं समझना। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं,
तथाकथित संयुक्त राष्ट्र की दस्तावेजों को देखें, उसमें मानवाधिकार की सर्वोच्च घोषणा है, मानव कर्तव्य की कोई भी घोषणा नहीं है। और परंपरा में समाज के हित के लिए सहयोग को महत्व दिया जाता था और संप्रदाय सही नहीं समझा जाते थे, जहां तक हो सके उसको काम करने की प्रयास करते थे। आज सहयोग की जगह संप्रदाय प्रतिस्पर्धा ने ले दिया है, तो संघर्ष ले लिया है। कहीं पर भी कोऑपरेशन की जगह कंपटीशन एक मनुष्य के सेज कार्य के रूप में मान लिया है, बचपन से लेकर के मरते दम तक सारे जीवन एक प्रकार से संतुलन एक प्रकार से कंपटीशन के रूप में बाई बाई में हो। कहीं पर भी ये हो गया है, तो इसलिए कोऑपरेशन की या सहयोग की संभावना को कम कर दिया है। इन सब से मूल रूप में क्या हुआ है, मनुष्य प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता था और प्रकृति के संसाधनों को समय के ढंग से उपयोग करना समस्त सत्वों की एक प्रकार से अधिकार हैं। परंतु आज आधुनिक जीवन पद्धति ने मनुष्य को उपयोगकर्ता में नहीं रखा, उपभोगकर्ता में कर दिया, यूजर टू कंज्यूमर। पहले यूजर थे, आज कंज्यूमर हो गया है। तो एक कंज्यूमर के रूप में, उपभोगकर्ता के रूप में किसी का भी कृतज्ञता भावना ठीक से उत्पादित करना अपने चित्त में, अपने मन में बहुत कठिन हो गया है। हर चीज लड़ करके अपने अधिकार जता करके समय और असमय के उपायों से, माध्यम से प्राप्त कर लेना, और प्राप्त करने के बाद जितना भी अधिक से अधिक हम उपभोग कर सकें, वह मनुष्य की सहजता या अधिकार या वो सही ढंग में हमने मान लिया है। तो इस परिस्थिति को अब संपूर्ण मानव मात्र आने वाले चुनौतियों से जूझ रहे हैं, और आने वाले चुनौती विशेष रूप से पर्यावरण के प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब की कोई प्रतिकार या इनको समान करने के लिए, इनसे जूझने के लिए कोई उपाय हमारे पास बचे नहीं हैं। और इसके अतिरिक्त जो हिंसा को, युद्ध को एक व्यापार बना दिया गया है, मनुष्य की या सभी जीव जंतुओं की प्राण जाना कोई गलत काम नहीं है, उस प्राण को लेने के लिए उत्पादित अस्त्र शस्त्र की
उपभोग करना, कंज्यूम करना, वो ज्यादा श्रेष्ठ हो गया है। दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं, युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं, युद्ध की चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, ये सब कोई कारण नहीं है, अकारण ही है। अकारण नितांत रूप से अकारण तो नहीं बना जा सकते, उसका कोई जस्टिफाइड कारण नहीं है। नैतिकता से या सत्यता से स्थापित कर सकने वाले कोई कारण नहीं है। केवल उत्पादित शास्त्रों की, अस्त्र की कमजोर करना, उपभोग करना, जिससे उनके बाजार बने रहना, ये उसके सीधे एक प्रकार से कारण बने हैं या उद्देश्य बने हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि मनुष्य किसकी भी प्रति अपने दायित्व के बोध नहीं है, और जिनकी रहने से, जिनके उपकार से हम जीवित हैं, हमारे उपस्थित हैं, इसकी भावना समाप्त हो गए हैं। इस भावना को जब तक पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, तो इस दुनिया में शांति की, बराबरी की या न्याय की कोई भी उम्मीद करना बहुत कठिन हो गया है। तो इसलिए जैसा पूर्ववक्ताओं ने बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया है कि कृतज्ञता की भावना और जिसके बिना, जिसके उपकार के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारे अस्तित्व और हमारे सभी हित, स्वहित परहित जितना भी हैं, सामाजिक हित या व्यक्तिगत हित, समस्त पतित समुद्रपन की सिद्धांत के आधार पर हम एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंध केवल एक मैत्री और करुणा की भावना के आधारित पर ही संबंध बन सकते हैं। द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध की भावना से कोई समय के संबंध नहीं बन सकते हैं। और जाने अजाने में इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो उपकार हम प्राप्त करते हैं अन्य सत्वों से, जीवों से और प्रकृति से, जिसकी सही सही जानकारी जिसको नहीं होगा या जानकारी होना नहीं चाहते हैं, होने नहीं देते हैं, आज की शिक्षा की पद्धति भी ऐसा ही है, यथास्थित को, यथार्थ को लोगों से छिपाया जाने के प्रयास करते हैं, लोगों में प्रकट ना हो इसके प्रयास करते हैं। कुलपति जी ने कहा कि लोग सच्चाई को, सत्य को पसंद तो करते हैं, तो मेरे थोड़ा इसमें संशय हैं, पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आधुनिक सभ्यता में जीने वाले लोग सत्य को पसंद नहीं करते हैं। पसंद इसलिए नहीं करते हैं, उसके सामना करने की क्षमता नहीं है। अपने जीवन शैली में, अपने व्यक्तित्व में सत्य की अभाव है। सब
एक प्रकार से बनावट, कृत्रिम। अब ज्ञान भी कृत्रिम हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जमाना है। तो इस जमाने में अगर जो हम उपयोग करने वाले जो चीज हैं वो सत्य हैं, वो यथार्थ हैं, तो उसको कृत्रिम की संज क्यों दिया जाए, आर्टिफिशियल के नाम क्यों दिया जाए। आर्टिफिशियल एक स्वीकार्य हैं, हम जो दे रहे हैं, हम जो बना रहे हैं, हम जो उपयोग कर रहे हैं, वह रियल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, वो केवल एक कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। उस आर्टिफिशियल से जो आर्टिफिशियल की जीवन हमको मिल सकते हैं, उसमें ना तो एक दूसरे के प्रति उपकार करने की, परहित साधने की आकांक्षा या इच्छा रखते हैं, या उसकी प्रक्रिया रखते हैं, या उसकी क्षमता रखते हैं। तो इसलिए सब अपने अपने कंधे पर अपने अपने पांव रख करके खड़ा होने की चेष्टा करते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये तीन शब्द प्रोफेसर सरन ने आधुनिक विषय में कहा है, नॉवेल्टी, सेल्फ ग्राउंडिंग, वायलेंस, सिनोनिम टू मॉडर्निटी। पहले कभी दिखाई ना दिया हो या कभी उपयोग भी नहीं हुआ हो, एक नॉवेल्टी, एक वो नयापन नहीं है, एक पहले जिसकी संतत से, किसकी संतत से, किसकी परंपरा से नहीं आए हो, एक व्यक्ति ने अपने मन से कोई चीज कृत्रिम रूप से बना दिया हो, इसलिए वो कोई अपने को खड़ा होने के लिए कोई आधार नहीं है, कोई भूमि नहीं है, तो इसलिए स्वयं के ऊपर आधारित करना पड़ता है। तो जो कुछ उसमें से उत्पन्न होगा वो हिंसा होगा, किसके अहित करेंगे, किसी की भी स्वहित भी नहीं कर पाते हैं, सबकी अहित करेंगे, तो इसलिए वायलेंस। ये तीनों कठे जब जहां हो जाता है उसका मॉडर्निटी, मॉडर्निटी तो अब पुराना हो गया, इस समय हम लोग पोस्ट मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निटी में सबसे अधिक चलन किसकी है, सबसे अधिक उपयोगी और चलन या प्रभाव उसकी हैं जो सही नहीं है, जो रियल नहीं है, जो यथार्थ नहीं है, कृत्रिम है, मशीनों के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, और चाल के माध्यम से जो जिसको उत्पन्न किया जाता है, जिसका संपादन किया जाता है, ऐसे माध्यम से जो आने वाले हैं वो आज सबसे अधिक आधुनिक या पश्चातों के शब्द में सबसे नए, डेवलप्ड, अपग्रेडेड चीज माना जाते हैं। तो जिससे मनुष्य को समाज के सभी संबंधों से हटा करके, काट करके, सेल्फ ग्राउंडिंग, अपने आप में सीमित एक इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल थिंग, इंडिविजुअल बेनिफिट,
इन सब के इर्द गिर्द में सब कुछ आ गए हैं। तो आज हम किसी के भी प्रति कृतज्ञता की भावना को उत्पन्न करना और रखना कठिन हो रहा है, तो इसलिए हमें देखना होगा कि क्या हम किसी के भी प्रति कृतज्ञता की भावना ना रखें, किसी के ऊपर हम अपने की आश्रित को, अपने की डिपेंडेंसी को नकार दें, तो तब हमारा जीवन किस प्रकार के होंगे ये जांचने की, पड़ताल करने की, विश्लेषण करने के योग्य होगा। अगर इसको विश्लेषण करेंगे तो हम आज किस यथार्थ के ऊपर आधारित हैं ये समझ में आएगा। अगर ये समझ में आए तो कृतज्ञता की भावना समाज के लिए कितना महत्व है वह सिद्ध करने के लिए कोई तार्किक हेतु ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अपने अनुभव से उसको स्थापित कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। सभी सतों के लिए यथार्थ को देखने की और यथार्थ में जीने की, सत्य अहिंसा की सिद्धांतों से हम स्वहित और परहित दोनों साध सकें, ऐसा मेरे कामना है। जय जगत।